स्टूडेंट वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एम प्रसाद। चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल किए थे, उसमें मैंने थ्योरी भी लिया है प्लस एनसीईआरटी बुक का आरडी शर्मा का लेवल 1 लेवल 2 का क्वेश्चन भी किया है। आप इस वीडियो ये सब वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग उसका अभी नेक्स्ट सिक्वेंस में इसको हम लोग बढ़ाते हैं आगे। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर और ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो सबसे पहले आपको पता है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि सिंपल यही समझिए, दोनों एंगल को यदि हम ऐड करके यदि 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यू कैन से। लाइक सिंपल एग्जाम्पल, यदि मैं लू एक एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, 90 माइनस 60 मीन्स 30 डिग्री। सो 60 एंड 30 डिग्री दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। लाइक आप ले सकते हैं 15 डिग्री एंड देन नेक्स्ट 75 लाइक दिस वे। सो इसका क्या हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट अंडरस्टैंड, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, लेट्स सी दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ओके लेट्स सी दिस इज ए बी सी एंड बी 90 डिग्री है, मान लीजिए दिस इज ए थीटा, ओके। सो ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एक टर्म में लिख सकते हैं। यदि ए है तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा, सी इक्वल टू 90 माइनस ए हो जाएगा, यानी सिंपली इसमें हमने एंगल ए को थीटा माना है। सो एंगल सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। अभी हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे ये मैं पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिंपल मैं यही बताऊंगा इसमें कि जैसे सपोज कीजिए, सिंपल यदि सपोज करिए कि साइन मैं लिखता हूं साइन 60 डिग्री का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू रूट 3/2। सो यदि हम इस 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लें, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 30 डिग्री। सो ये 30 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 30 डिग्री। सो 30 डिग्री कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो इसके बराबर होगा, तो आप देख सकते हैं किसके बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं cos 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, यानी ये कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका v रूट 3/2, यानी हम लोग इधर में लिख सकते हैं इधर में cos 30 डिग्री, ओके। सो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी अभी हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके दिया है, अभी हम लोग जनरलाइज करेंगे। सो हम लोग को इसमें इस टॉपिक में ये पढ़ने का है कि सपोज कीजिए फॉर थीटा इज एक्यूट एंगल, सो हम लोग पहले लिखेंगे थीटा इज एक्यूट एंगल मींस 90 डिग्री से कम है, तो हम लोग को जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में, सो फर्स्ट में हम लोग को ये प्रूफ करने का है, लाइक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा कॉस थीटा, ओके। सेकेंड लाइक कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा साइन थीटा, एक एग्जाम्पल लेके हम आपको दिखाया, बट हम लोग जनरलाइज समझेंगे इसको बहुत इजी तरीके से। मैं और सारा लिख लेता हूँ आपके लिए। सो ये कितना हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ओके। फोर्थ cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा tan थीटा, फिफ्थ sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक माइनस सॉरी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड सिक्स कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ओके। चलिए इसको हम लोग जनरलाइज समझेंगे इस फिगर से कैसे हम लोग कर आ रहा है ये। सो चलिए हम लोग समझते हैं इसको जनरलाइज फॉर्म में ये प्रूफ करने का, थीटा इज एक्यूट एंगल। सो ये प्रूफ करने का आपको बहुत सिंपल तरीके से देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस थीटा एंगल के लिए हम लोग लिख लेंगे। सो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, वी नो ऑल रेडी वी स्टडी साइन थीटा, इसमें साइन थीटा ये परपेंडिकुलर यानी बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी, ओके कॉस थीटा बेस ए बी डिवाइडेड बाय ए सी टेन थीटा इक्वल टू tan theta perpendicular BC divided by AB
सो चलिए हम लोग ये लिख लिए। अभी हम लोग सिंपल में देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का लिखते हैं, इसको हम लोग भूल जाते हैं। फर्स्ट हम ये समझिए कि थीटा भूल जाएगी, एंड देन हम लोग स्टार्ट कर लिख से साइन साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, यानी ये सिंपली ऐसे समझ सकते हैं सी है ये। एक लिए मैं लिख के दिखाता हूँ, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री। सो ये देखिए किसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी, ए बी हो जाएगा इसमें परपेंडिकुलर, यही ध्यान देने का है ए सी, यानी इस केस में देखिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम लोग अभी बाकी सब लिख लेता हूँ। कॉस, सो कॉस 90 माइनस थीटा, सिंपल यही देखिए 90 माइनस थीटा बी सी हो जाएगा, बी सी बाई ए सी। देन टैन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टैन 90 माइनस थीटा देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा ये, एंड ये देखिए बेस इसका बी सी होगा, एंड नाउ इसका उल्टा कर देंगे तो सभी आ जाएगा, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी, एंड सेक 90 माइनस थीटा दैट इज, यहाँ से देखिए ए सी, यहाँ से भी ले सकते हैं ये हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस बी सी, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू ए सी बाई ए सी, सॉरी ए सी बाई ए बी, यहाँ से ले सकते ए सी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, सो ए सी बाई ए बी। ओके, सो ये साइड में हम लोग यदि देखे सिंपल वे में तो ये साइन थीटा आपके लिए इसके, एंड इस साइड में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का लिखे। अब बहुत सिंपल आइडिया से देखिए इसको हम लोग मैच करके देखते हैं। देखिए हम लोग साइन, चलिए इधर से मैं, क्योंकि इधर हम देखिए साइन 90 माइनस थीटा ए बी बाई ए सी, इसमें देखिए किसके बराबर है कॉस थीटा, यानी हम लोग ऐसा मैच कर सकते हैं, मैचिंग यदि हम लोग सीखे तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा यदि देखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा किसके तो बराबर है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसके बराबर देखिए, यानी इसको हम लोग ऐसा मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट में यदि आप इसका देखेंगे, सपोज कीजिए टैन का देखते हैं, तो देखिए टैन का ये हो जाएगा कॉट टैन 90 माइनस डिग्री कॉट थीटा, ये इसमें देखिए सिंपल ऐसा एंड ये ऐसा, वेरी इजी। सो दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट यू कैन से। नाउ वी हैव, वी विल यूज दिस इन, जो है आपका क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज 10.3 एंड इनसाइड बुक का 8.3 एंड वेरियस क्वेश्चंस यू कैन कर सकते हैं, ये मेन आपको समझने का है। सो लाइक एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लेट्स सी मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं साइन 15 डिग्री। सो साइन 15 डिग्री इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए नाइन कॉम्प्लीमेंट्री में लिखने का रहेगा तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ओके, सो साइन 90 माइनस ये कह सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये समझिए कि ये थीटा हो गया, एंड सो दिस इज इक्वल टू कॉस 75 डिग्री, यानी साइन 15 डिग्री इक्वल टू कॉस 75 डिग्री, दैट इज अ यूज ऑफ यू कैन से विल टू सम क्वेश्चन। सो होपफुली यू अंडरस्टूड, दिस अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेट्स विल डू सम क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो हम लोग अभी थ्योरी पढ़े उस बेसिस पे। ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। देखिए इसमें क्या है, साइन 18 डिग्री इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। यहाँ पे इसमें सबसे इजी वे में आपको देखने का है, देखिए ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐड कीजिए 90 डिग्री आएगा, मतलब हम लोग को यूज करने का है, एक फॉर्म में लिखिए, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, सिंपल यही कही 18 डिग्री को मैंने इस रूप में लिखा है, एंड दिस इज कॉस 72 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, इधर में देखिए 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह पर समझ सकते हैं, ये हमारा समझिए ये थीटा है, थीटा इधर ही हो गया, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉस थीटा हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री, ये कैंसल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1, वेरी इजी, होपफुली यू अंडरस्टूड। और इसको देखिए इजी वे में याद करने का और समझ तो लिए, अभी इसको याद करने के लिए यदि साइन रहेगा
सर कब में कॉस है, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, बस इजी वे में आप इसको याद रख सकते हैं। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। हम लोग इस टॉप इस थ्योरी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 प्लस फिर आर डी शर्मा बुक का लेवल वन लेवल टू करेंगे, प्लस जो सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसका भी क्वेश्चन करेंगे। होपफुली यू अंडरस्टूड। अगर फिर भी यदि इस वीडियो पे यदि कुछ भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिप्लाई बैक। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सीक्वेंस में सब वीडियो मिलते रहे, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।